हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अमरूद की चटनी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसको आप रोटी के साथ खाएं, परांठे के साथ खाएं और बनाना भी आसान है। इसके लिए हमने ली है फ्रेश पुदीने की पत्तियां, इसको अच्छे से धो ले। हरा धनिया इसको भी धो लिया है, एक नींबू, एक अमरूद। अमरूद ना ज्यादा पक्का हो ना ज्यादा कच्चा हो, इस तरह का होना चाहिए। और काला नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार, सफेद नमक थोड़ा सा, दो हरी मिर्च, चार लहसुन की कलियां। अब इन सबको हमने मिक्सी में ग्राइंड करना है नींबू को छोड़ के। चटनी को हमने पीस लिया, इस तरह से हो जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालें, हमने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। अब इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अमरूद की चटनी खाने को तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है, जरूर ट्राई करके देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।